नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा, विटीरिगो या फिर जिसे कहा जाता है सफेद दाग की बीमारी, आज इससे लड़ने का एक रामबाण नुस्खा मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं। जी हां दोस्तों, वैसे भी मैं आप लोगों के साथ में पहले भी आपको बता चुकी हूं ल्यूकोडर्मा के कई सारे नुस्खे, कई सारी रेमेडीज, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। आज जो मैं आप लोगों को नुस्खा बता रही हूं, ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कईयों को इससे लाभ हुआ है। ल्यूकोडर्मा जो कि इतनी पुरानी बीमारी है, काफी टाइम से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, झेल रहे हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया है पर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आज का अगर आप नुस्खा यूज करेंगे, इसको अपनाएंगे, तो आपको 100% इस बीमारी से निजात मिल जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पौधा जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, जी हाँ, इस पौधे का यूज करके हमें इस बीमारी से लड़ना है, इस बीमारी को खत्म करना है। तो कैसे यूज करना है, क्या पूरी प्रोसेस है, चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मगर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ में ये पौधा दिखा रही हूँ, इसे कहा जाता है घनेरी का पौधा। इसे जनरली हमारी सादी भाषा में जर्मन का पौधा भी कहा जाता है। ये एक तरह का जंगली पौधा है। ये जनरली जो खाली पड़ी जगह होती है या फिर ये ऐसी कचरे वगैरह की जहाँ पर जगह होती है, ये वहाँ पर आसानी से मिल जाता है घनेरी का पौधा। ये घनेरी के पौधे की आपको पत्तियों का इस्तेमाल करना है, साथ ही में इस पौधे पर जो ये छोटे छोटे बीज लगते हैं हरे और काले, इन बीजों का इस्तेमाल करना है। आप ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को, ये आपको देखिए इसके कुछ इस तरह से फूल होते हैं, तो ये पौधा कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। शहर के बाहर गलियों कूचों में झाड़ियाँ वगैरह जहाँ पर होती है वहाँ पर ये मिल जाता है। तो अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए, हमें इसकी 10 पत्तियां लेनी है, ठीक है। इस पौधे की 10 पत्तियां ले लें, साथ ही में इस पे जो ये बीज लगे हुए होते हैं, तो 10 बीज आपको हरे लेना है और 10 बीज काले लेना है। 10 पत्तियां इस पौधे की, साथ में 10 बीज हरे वाले और 10 बीज काले वाले, ठीक है, ये आप ले लीजिए, ठीक है। इन्हें आप तोड़कर घर पर ले आए, आप चाहे तो इकट्ठा भी तोड़ के ला सकते हैं, पर आपको जब एक बार आप इस नुस्खे को तैयार करेंगे, उसकी क्वांटिटी में बता रही हूँ आपको, तीनों चीजों की मात्रा बराबर लेना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये 10 पत्तियां, 10 बीज सफेद, 10 बीज हरे और 10 बीज काले, इन तीनों चीजों को आपको मिक्सी के जार में ले लेना है। अब आपको इसके साथ में डालना है नींबू का रस, एक नींबू का रस आपको निकाल कर इसमें डाल देना है। अब इसे आप बिल्कुल महीन चटनी जैसा बना लेंगे, ठीक है, बिल्कुल पेस्ट जैसा आप इसको पीस लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, वैसे एक नींबू अगर हम डालेंगे तो ये ड्राई नहीं रहेगा। हमको एक थोड़ा मोटा सा पेस्ट बनाना है ताकि ये उस घाव पर जहाँ पर आपको सफ़ेद दाग है वहाँ पर लगाया जा सके। अगर आपको छोटा घाव, सफ़ेद दाग है, छोटी जगह पर है, तो ये एक बार में इतना ही बनाएं जितना उस पर लग जाए, क्योंकि हमको इसको एक बार बनाने के बाद एक ही बार यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि हम दोबारा लगा लें, ठीक है। एक बार बनाए, एक बार यूज कर ले, फिर उसे फेंक दे, फिर अगली बार जब यूज करना है तब आप इसे ताजा ही बनाए, ठीक है। अब इसको आपको, आपने इसका पेस्ट बना के रख लिया, ठीक है, बना लिया। अब बनाने के बाद में इसे कैसे लगाना है, जिस जगह पर आपको सफेद दाग है उस जगह को पहले गुनगुने पानी से अच्छे से साफ कर लें, ठीक है। आपको उस जगह को अच्छे से गुनगुने पानी से साफ कर लेना है, फिर उस जगह पर आपको ये जो हमने लेप तैयार किया है वो आपको लगाना है, ठीक है। उसको अच्छे से लगा ले, बस एक थिक सी अच्छी मोटी सी लेयर उस पर लगा ले, फिर उस जगह को आप सूखने दें, ठीक है। उस पेस्ट को जिसको हमने लगाया है इसको आपको सूखने देना है। ये 10 से 15 मिनट में आसानी से सूख जाएगा। जब ये सूख जाए तब आपको इसे रब करके, ठीक है, इस तरह से हम जैसे रगड़ के निकालते हैं, इसे रब करके उसे वहां से निकालना है और फिर आप इसे नॉर्मल पानी से धो लें। ऐसा आपको लगातार यूज करना है, रोज इसका इस्तेमाल करना है। लगातार 15 दिन के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे सफेद दाग हल्के पड़ने लग जाएंगे, और कंटिन्यू आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके सफेद दाग जड़ से खत्म हो जाएंगे। विटीलिगो, ल्यूकोडर्मा जिसे कहा जाता है, वो जड़ से, वो बीमारी इससे खत्म हो जाएगी।
तो बहुत ही असरदार, बहुत ही कारगर उपाय है ये, बहुत ही असरदार नुस्खा मैंने आपके साथ में शेयर किया है, जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। ये घनेरी का पौधा दिखने में जंगली पौधा होता है, इसके कोई जो अगर इसका प्रॉपरली हम यूज करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा असरदार है ल्यूकोडर्मास के पेशेंट्स के लिए। तो आप इसका यूज करें और फिर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है आप मेरे साथ में शेयर जरूर करें। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपको मेरे नुस्खों से, मेरे उपाय से आपको फर्क मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी मेहनत वहीं जाकर सफल हो जाती है। तो आप कॉमेंट जरूर करें और मेरे वीडियोज के कॉमेंट सेक्शन में जितने भी मेरे वीडियोज हैं, जिस भी चीज का नुस्खा, ब्यूटी टिप अगर मैंने आपके साथ में शेयर किए, आपको उनको देखने के लिए कि हाँ ये असल में असरदार है या नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स जरूर देखिए, क्योंकि मेरे पास में इतने सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के पॉजिटिव वाले। नेगेटिव तो सभी जगह आते हैं पर पॉजिटिव ज़्यादा आते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से आप भी इस नुस्खे को यूज़ करें, फिर अपने को अपना जो रिजल्ट है मेरे साथ में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों में, दोस्तों में, सभी में इसे बताइएगा कि ये नुस्खा कितना असरदार है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।